नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। जी हां, लालू यादव जो कि वर्ष 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे थे और उनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन हड़पने के आरोप लालू यादव और उनके परिवार के अन्य लोगों पर लगे थे, तो उसी मामले में लेकर के अब लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित इस मामले में आरोपित अन्य 8 लोगों के खिलाफ अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट आज दाखिल की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ही ईडी की ओर से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की आज तारीख थी, उस दिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है और इसमें कुल 10 लोगों के खिलाफ ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें एक नाम तो खुद लालू यादव का है, दूसरे उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं जो मौजूदा समय में बिहार में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। और इतना ही नहीं, इस मामले में 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने आज दाखिल की है। दरअसल जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उस राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विशाल गोगोले के समक्ष ईडी ने यह विशेष सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की और उसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टाल दी। यानी कि अब जो अगली सुनवाई इस मामले में होगी वह 13 अगस्त को होगी। दरअसल यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि लालू यादव वर्ष 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे थे। उस दौरान केंद्र में UPA 1 की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसी दौर में लालू यादव को देश के रेल मंत्री की कमान दी गई थी और लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उसी दौरान उन पर आरोप लगे कि लालू यादव ने बड़ी संख्या में रेलवे के ग्रुप डी में लोगों को नौकरी दिलवाई और इसके बदले में उनकी ज़मीनें हड़प ली। यानी कि नौकरी दी गई और बदले में एक तरीके से कहें तो रिश्वत के तौर पे ज़मीनें ले गईं और इन ज़मीनों को पटना सहित अलग अलग जगहों पर ली गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही पहले इस मामले में जो अलग अलग केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे वह CBI हो चाहे वह ED हो, उनकी जांच की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही है। इस मामले में पहले केवल लालू यादव आरोपित थे, बाद में उनके परिवार के अलग अलग सदस्यों को नामित किया गया जिसमें राबड़ी देवी हों चाहे उनकी बेटी बेटियां हों, और इन सब के बाद पिछले बरस ही इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल किया गया। यानी कि लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव के ऊपर भी ईडी की रडार आई और ईडी के रडार पर अब तेजस्वी यादव भी हैं, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें तेजस्वी यादव को भी आरोपित बनाया गया है। तो ऐसे में पहले तो इस मामले में केवल लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और कुछ बेटियों के ही नाम शामिल थे, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल होने के बाद तेजस्वी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब आज जो ईडी की ओर से ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें कुल आज 10 लोगों के इसमें नाम शामिल किया गया है और मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से होगी। तो उस वक्त एक बड़ा फैसला लालू तेजस्वी परिवार और उनके परिवार के जो अन्य लोग हैं, साथ ही साथ इस मामले में जो अन्य आरोपित हैं, उन सब के खिलाफ आ सकता है। तो यह लैंड फॉर जॉब मामले में एक बड़ी अपडेट कोर्ट से, जहां पर कि आज लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी हैं और ईडी ने उनके खिलाफ शिकंजा और बड़े स्तर पर कस लिया है। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि ईडी का शिकंजा जो लगातार नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव उनके परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ कसता जा रहा है, तो इस शिकंजे में अब 13 अगस्त की जो अगली सुनवाई होगी तो उस दौरान क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को लेकर के कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ फोर नेशन के साथ।